जय महाकाल दोस्तों, मैंने जो बीज बोए थे अब उन पे मैं कुछ पत्ते डालने जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और बीज धूप से उग नहीं पा रहे हैं, जल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ सूखे पत्ते अपनी क्यारियों में डालने जा रही हूँ। देखिए आप, रात का टाइम है इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, पर ठंडक में रात में ही काम करने में आनंद है। देखिए 8 बज रहा है, 8:30 रात का। ये हमने अपनी क्यारियों में ये सूखे पत्ते पूरी क्यारी में डाल दिए हैं ताकि बीजों को ठंडक मिले। तो दोस्तों इस तरह मैंने पेड़ लगाए हैं, बीज लगाए हैं, और बीज लगाने के बाद अब मैं उन्हें सुरक्षित कर रही हूँ। देखते हैं अगर 5-6 दिन में बीज उगते हैं तो हमारी ये योजना सफल होती है, नहीं उगते हैं तो फिर कोई दूसरे बीज लगाएंगे। दोस्तों गर्मी में ज़्यादातर आपको शाम को 7 बजे के बाद पेड़ या बीजों में पानी डालना चाहिए। दिन में अगर आप पानी डालते हैं तो धूप की वजह से और एकदम आप सर्दी और गर्मी बीजों को सूट नहीं करता वातावरण, और बीज सूख जाते हैं और पेड़ भी हमारे सूख जाते हैं। इसलिए रात में या सुबह बहुत ठंडक में हमें पेड़ों में पानी डालना चाहिए और बीजों में भी। देखिए अब हमने जहाँ बीज लगाए थे ये, यहाँ हम पानी डाल रहे हैं, पूरी क्यारी हमारी भर रही है, ये पानी चल रहा है, वॉल है, और लास्ट तक हमने क्यारी को भर दिया है। ये बीज मैंने परसों लगाए थे। जब बीज लगाते हैं तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हैं, उसके बाद अब जब बीज थोड़ा सा अपनी उन्होंने जगह बना ली है तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, छोड़ दिया है मैंने पानी को। वैसे तो हाथ से डालती थी बरसात, जैसे बरसात का पानी बरसता है उस तरीके से, पर अब छोड़ दिया है ताकि हमारी क्यारी भर जाए और बीजों तक पानी पहुंच जाए। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए हमने इधर भी वो डाले हुए हैं पत्ते, और यहाँ बड़ा सा पत्ता मैंने डाल रखा है, पूरा वो क्यारी पे डाल दिया है, पाम का जो सूखा हुआ पाम का वो है वो डाल दिया है। रात है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, इधर रोशनी पड़ रही है, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने पाम, देखिए इस ऐसे मैंने पाम का पूरा ये बड़ा सा ये डाल के रखा है। आपके यहाँ गांव में शहर में जो भी बेस हो भूसे टाइप का आप उसमें डाल सकते हैं, मैंने ऐसे डाला है। तो दोस्तों अपने बीजों को लगाकर, पेड़ों को, पौधों को लगाकर, चूँकि गर्मी बहुत पड़ रही है, आप इस तरीके से बचत कर सकते हैं ताकि बीज जमें और जो जम आए हैं वो सुरक्षित रहें। कहीं कहीं हमने बीज लगाए हैं तो वो जमने की कगार पे हैं, और कहीं कहीं हमारे बीज जम आए हैं। ये हमारी क्यारी है पूरी जो हमने बनाई है, देखिए इस तरीके से हम इनमें पानी लगा रहे हैं। डेली मैं शाम को ही पानी लगाती हूँ, मैंने सोचा आज आपके सामने वीडियो शेयर कर दूँ शाम को पानी लगाने का। तो देखिए ये सब क्यारियाँ हैं, हमने इनमें पत्तियाँ डाल रखी हैं, और ये सब हमारी जगह है, ये घास है बैठने के लिए। ये देखिए यहाँ पर भी हमने बीज लगाए थे, इधर मैंने अदरक लगाया है अभी फ़िलहाल में, क्यारी बनाकर थोड़ा थोड़ा पानी किंच दिया है, ये जगह आप देख रहे हैं इधर अदरक लगा है। और इधर मैंने शिमला मिर्च के, बैंगन के, कद्दू के, टमाटर के, बीन्स के बीज लगाए हैं, और इधर मैंने इसमें अरबी को बोया है, देखते हैं जमती हैं या नहीं अभी आज ही। और इधर वो जो हम रौसा बोलते हैं उसकी फलियाँ, हमने उसके बीज लगाए हैं, देखते हैं ये भी जमते हैं या नहीं। इसमें हमने सूखी पत्तियों से इनको कवर कर दिया है, आप देख रहे हैं क्यारी हमारी गीली है क्योंकि पत्तियाँ डाली थी, वैसे पानी सूख जाता पर पत्तियों के कारण इनमें नमी बनी हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये भी परसों या नरसों लगाए थे इसलिए इनको भर दिया। जब लगाए थे बीज तो बहुत कम कम पानी डाला था, उसके बाद इनमें मैंने ज़ोर से पानी डाला। देखिए इस तरीके से जो हमारे यहाँ पत्तियाँ वेस्ट पड़ी थी हमने इनको ढक दिया है ताकि बीजों में तेज़ धूप ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आजकल धूप हो रही है। और हमारी ये कुछ बीज हैं जो अभी रखे हुए हैं, इनको हम 10 दिन बाद लगाएंगे,
पॉलीथिन में इस तरीके से। दोस्तों देखिए आप, देखती हूँ मैं अब आपका, आपको अपने गार्डन का मैं बीच बीच में विज़िट कराती रहूँगी और बताती रहूँगी कि कैसे आप भी अपना गार्डन बनाएं। जय महाकाल दोस्तों।